फिर भी दोस्तों एक क्वेश्चन आप सामने देखिए, 16 वस्तु क्रय मूल्य 20 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करें, बहुत से बार मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देखिए जैसे विक्रय दे रखा, इसको अपन क्रय बनाएंगे, यानी कि सी पी कास्ट प्राइस, तो कास्ट विक्रय मूल्य कितना 20, तो इसको सी पी बनाएंगे 20, और जो क्रय दे रखा इसको विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस एस पी, ये कितना हो जाएगा 16। अब 20 में खरीदा 16 में बेचा, मतलब क्रय को विक्रय बनाओ और विक्रय को क्रय बना लो, बस और कुछ नहीं करना। तो 20 में खरीदा 16 में बेचा, यानी कि आपको 4 रुपये का नुकसान हुआ, बटा 20 इंटू 100 बटा 1, तो 20 से 200 बन जाओ 100, 5 × 20 यानी कि 20% की हानि हो गई। इसको क्या होगी, 20% की हानि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 20 रुपये के 11 पेंसिल है और 11 रुपये की 10 पेंसिल है बेचता है, 10 रुपये की तो 11 पेंसिल है खरीदता है और 11 रुपये में 10 पेंसिल है बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सर ऐसा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले रुपये वस्तु पहले कितने रुपये, 10 रुपये, मैं कितनी वस्तु खरीदी 11, फिर 11 रुपये में 10 बेची, 11 रुपये में 10 बेची, तो अब बीच वाले का गुणा पहले और बाद वाले का गुणा बाद में, तो 11 11 कितना होगा दोस्तों 121, 11 11 कितना 121 माइनस 10 10 100 बट्टा 100 इंटू 100 बट्टा 1, इसमें से 100 कटाए तो कितने बचे 21 बटा 100 से 100 कट गए, यानी कि 21% इसको लाभ हो गया, 21% इसको लाभ हो गया, यानी कि 10 रुपये में उसने 11 खरीदी है ना, एक ज़्यादा खरीदी और फिर 11 रुपये में उसने 10 बेची, तो एक कम बेची उसने है ना, तो इसको लाभ हुआ, 21% लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सब्जी वाला 10 रुपये की 5 की दर से नींबू खरीदता है और 15 रुपये की 6 की दर से बेच देता है, रुपये वस्तु तो रुपये कितने 10, वस्तु कितनी 5, फिर रुपये कितने 15, वस्तु कितनी 6, इनका गुणा पहले और इनका गुणा बाद में, तो 15 × 75 माइनस 10 × 60 बट्टा 60 इंटू 100/1, सिपर कट गई, और यहाँ 75 में 60 गए तो 15 बचे, 15 × 15 = 60 और 4 से कटें तो 25 × 100, 25% इसको लाभ हो गया, 25% इसको लाभ हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने 2 टीवी प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेची, एक पर 15% का लाभ और दूसरे 15% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, एक्स यानी 15% लाभ, फिर वाई 15% हानि, फिर यहाँ 15% लाभ 15% हानि बट्टा 100, तो ये कट गया, प्लस से माइनस कट गया, और 15 × 15 = 225/100 और माइनस, तो 2.25% माइनस है इसलिए इसको हानि होगी, अगर प्लस में आता तो इसको लाभ होता, तो 2.25% की इसको हानि होगी, एक तरीका तो ये। दूसरा क्या होगा कि यदि बराबर परसेंट में लाभ और बराबर परसेंट में हानि हो तो कुछ नहीं, इतना बड़े करने की जरूरत नहीं आपको, उभयनिष्ठ लाभ हानि 15/10 का स्क्वायर कर दो, 15 × 15 = 225, 10 × 100 तो 2.25% की इसको हानि, एक ही तरीका, एक तो ये तरीका, एक तरीका भले इतना बड़ा नहीं करो, डायरेक्ट यहाँ कर लो बस, उभयनिष्ठ लाभ हानि 10 का स्क्वायर कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोबाइल को एक दुकानदार ने राम को 20% लाभ पर बेचा, फिर राम ने श्याम को 10% लाभ पर बेचा,
यदि श्याम ने उसका 6,660 रुपये दिए तो दुकानदार ने कितने में खरीदा था। अब दुकानदार ने मान लो कि 100 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा 100 रुपये में। अब इस एक पर इसने 20% लाभ कमाया, यानी कि 120 बट्टा 100। फिर इसने इसको 10% लाभ, यानी कि 110 बटा 100 बराबर 6,660। सीपर कट गई, सीपर कट गई 10, तो बराबर 6,660 गुणित 100 बटा 12 × 11। तो 12 से काटेंगे, 12 × 5 = 60। फिर ये 66, फिर 12 × 5 = 60, फिर 6, फिर 12 × 5 = 60। 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55, और 5 में भाग नहीं गया 0, और देखिए 11 × 55 और 5 में भाग नहीं गया 0, और फिर 11 × 44 और 10 लगाया, एक सिफर कट जाएगी यानी एक और लग जाएगी, यानी कि 5040 में उसने खरीदा था, 5040 में उसने खरीदा था, ताकि परसेंट लाभ बढ़कर यह अब तक इतना आ गया। थैंक यू दोस्तों।